हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लवली शेल्कर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी कोड लीवर ऑयल के बारे में। जैसे कि दोस्तों, ये जो सी कोड लीवर ऑयल होता है, इसमें क्या पाया जाता है, क्या कंपोजिशन होते हैं, हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों, अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम जो ये कैप्सूल होता है, हर एक कैप्सूल में 300 mg सी कोड लीवर ऑयल पाई जाती है, जो कि एक कंटेनर में आप देख सकते हैं स्क्रीन में 100 कैप्सूल होती है। ओके दोस्तों, अब हम अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, जो कि एक एसेंशियल फैटी एसिड होती है, विटामिन्स होती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, हमें बाहर से लेना ही होता है। और सबसे अच्छा सोर्स जो है ये सी कोड लीवर ऑयल, बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, ठीक है। ये दोस्तों फिश ऑयल से बनाई जाती है। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों, इसमें विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन डी पाई जाती है, जो कि हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदे। बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका जो पहला बेनिफिट होता है, यानी कि पहला फायदा जो होता है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होता है, हृदय से संबंधित बीमारी। अब इसमें दोस्तों जैसे क्या होता है, हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती है। जब ये बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि हमारी जो हार्ट की नसें होती है, जहां ब्लड का सप्लाई होता है, वो ये जैसे कि हार्ट की नसें, ठीक है, ये क्या होता है भाई, नैरो हो जाती है, यानी कि पतली हो जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, इसमें क्या होता है, नलियों में क्या होता है भाई, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगते हैं, फैट डिपोजिट होने लगते हैं, इस तरह से ये पतले होते जाते हैं। जिससे कि जब ये धीरे धीरे पतले हो जाते हैं तो क्या होता है भाई, खून का सप्लाई नहीं होता है, ठीक है, और ये ब्लॉक होने लगते हैं, तो वहां क्या होता है भाई, हमें हार्ट अटैक के चांस दिखने लगते हैं, ठीक है। हमारा हार्ट जो होता है प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है, उनको क्या होता है भाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, न्यूट्रिएंट्स और ब्लड नहीं मिल पाते हैं, तो इस तरह से हार्ट अटैक के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हृदय से संबंधित बीमारी के लिए काफी फायदेमंद। इसके अलावा दोस्तों, ये स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है। जैसे कि जिन लोगों की एज बढ़ जाती है, तो उनमें झुर्रियां आ जाती है, लटकपन आ जाता है, लचीला आने लगता है, ठीक है, निशाने पड़ने लगती हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें पाया जाता है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो सी कॉर्ड लीवर ऑयल का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ये हमारे नेल यानी कि नाखून के लिए बहुत फायदेमंद होता है, हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ये हमारे हेयर को स्ट्रांग करता है, सिल्की करता है, मजबूत करता है और ग्रोथ करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, ये आई साइट के लिए काफी फायदेमंद होता है, यानी कि जिनके आंखों से धुंधलापन दिखता है, ठीक से दिखता नहीं है, बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है आंखों से देखने में, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है चीजों को देखने में, तो ऐसी कंडीशन में ये आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है, या आपकी रोशनी को फास्ट करता है, स्ट्रांग करता है, जिससे कि आपको देखने में मदद मिल सके, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, ये हमारे बॉडी में जैसे कि क्या होता है, हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, जो इसमें विटामिन डी पाई जाती है। ये क्या करता है, हमारे हड्डियों को, जो हमारी हड्डियां लचीली हो गई हैं, उनको स्ट्रांग करने का काम करता है, हमारे टीथ को स्ट्रांग करने का काम करता है। हमारे बॉडी में जैसे ज्वाइंट पेन होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये दोस्तों सी कोड लीवर ऑयल बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों, हार्ट रिदम जिनका ठीक नहीं रहता, यानी कि जिनकी हार्ट बीट ठीक नहीं रहती, कभी नॉर्मल रहती है, कभी एबनॉर्मल हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ओके, इसके अलावा दोस्तों, ये हमारे बॉडी में एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने में भी मदद करता है। ओके, हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसका लेने का सही तरीका, यानी कि डोज क्या होता है। तो इसको दिन में एक ही कैप्सूल लेनी होती है, ठीक है, कभी भी आप ले सकते हैं, जैसे नाश्ते के बाद ले सकते हैं या खाना खाने के बाद ले सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिनकी बीपी नॉर्मल या एबनॉर्मल रहती है, तो उनमें सेफ है, वो ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।